जो इस्लाम धर्म के अनुसार खालसा जी की अरदास, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां। सभी जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे कर्मठ वॉलंटियर्स हैं, उनके अंदर जोश है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई खुशी की लहर है कि आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है। सभी वो कार्यकर्ता जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो सभी के सभी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर की जो बदहाली है, जम्मू कश्मीर की बदहाली से आम आदमी पार्टी लोगों को बाहर निकालेगी। जम्मू के अंदर आप मेडिकल कॉलेज और दिल्ली में सौर इंस्टीट्यूट और सरकारी स्कूलों की हालत आप सभी जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि जम्मू के लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और बेहतर भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव लड़के और सरकार बनाएगी और इस बदहाली से जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बदहाली से बाहर निकालेगी। पॉलिटिकल बदहाली से, सामाजिक बदहाली से, इंसानी चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में आप मीडिया के सहयोग से, आप मीडिया के सहयोग, जनमानस के सहयोग से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। धन्यवाद साथियों। इंतजार में थे पार्टी ऑफिस कब खुले, एक उम्मीद है लोगों के लिए। मैंने पहले भी कहा ये पार्टी ऑफिस नहीं, यहाँ से लोगों की उम्मीदें हैं। जिस तरीके से दिल्ली बदला है, जम्मू कश्मीर भी बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा जब भी चुनाव होंगे। और उम्मीद करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर खुद भी आएंगे और यहाँ से हम चुनाव भी लड़ेंगे और बहुमत से आकर यहाँ सरकार भी बनाएंगे। चार मुद्दे हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना ये ज़रूरी समझता हूँ। पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल की बात अगर की जाए तो यहाँ की बदहाली, ये पुरानी पार्टियों का जो कारनामा है आप सबके सामने है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट बदली है तो 6 साल पहले दिल्ली बदली है। 70 साल वहाँ पर कांग्रेस ने भी राज किया था। अगर 6 साल में दिल्ली बदल सकता है, स्कूल वहाँ के बेहतर बन सकते हैं, वहाँ के अस्पताल बेहतर बन सकते हैं, तो यकीन जानो जम्मू कश्मीर नहीं पूरा हिंदुस्तान बदल सकता है। जम्मू की धरती पर आज अगर इनॉग्रेशन हुआ है, पार्टी के वर्कर्स अगर वो एक हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आम आदमी पार्टी हैं। जम्मू कश्मीर का हर वो इंसान जो सताया हुआ है, जो मजलूमियत का शिकार है, जो इस वक्त तानाशाहों के अंदर इस वक्त कुचला हुआ है, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हर जगह करप्शन है। लोग चाहते हैं चेंज, लोगों के पास अल्टरनेट नहीं था। सदियों का इंतज़ार लोगों का था, हमारा भी कुछ सालों का इंतज़ार था, आज वो ख़त्म हो गया। आज से शुरुआत जम्मू कश्मीर की अलग से होगी, एक नई पार्टी आएगी जो पूरे हिंदुस्तान में तो आनी आनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आना इस बार तय है।